नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 31 मार्च 2021। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर क्लासेस में। इस क्लास में हम 31 मार्च के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे और इस डिस्कशन में हम 15 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इन 15 क्वेश्चनों की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। भारत ने कितने वर्षों तक चीन से उत्पन्न या निर्यात की जाने वाली बोतल ग्रेड पॉलीइथाइलिन टेरेपिथलेट शॉर्ट फॉर्म में पीईटी के आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। देखो इस क्वेश्चन का तो जो आंसर है ये तो है सी, 5 साल के लिए ये लगाई गई है एंटी डंपिंग ड्यूटी। किस पर? पॉलीइथाइलिन टेरेपिथलेट, जिसका शॉर्ट नाम है पीईटी। अब यहाँ पे इंपोर्टेंट क्या है, इंपोर्टेंट है एंटी डंपिंग ड्यूटी। ये है क्या, देखो ये लगाई जाती है किसी भी देश के द्वारा जो उसकी घरेलू उद्योग है ना उसको बचाने के लिए। किस प्रकार से, एक एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। देखो जैसे कोई एक कंपनी है, ये कंपनी है, नाम क्या है इसका, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। ये कोई पेन बनाती है और इस पेन की जो भारत के अंदर, देखो एग्जांपल की सहायता से हम समझ रहे हैं। आप सपोज कीजिए भारत के अंदर, इंडिया के अंदर इस पेन की जो मार्केट वैल्यू है ना ये है 10 रुपये। मतलब एक पेन 10 रुपये का बिकता है भारत के अंदर, और यही पेन चाइना के अंदर, इसको देखो अगर चाइना की कोई कंपनी बनाती है तो चाइना के अंदर इस पेन की जो मार्केट वैल्यू है ये भी कितनी है, 10 रुपये। मतलब चाइना के अंदर भी ये पेन 10 रुपये का बिकता है, 10 रुपये का एक पेन। लेकिन चाइना ये कहता है कि जब ये पेन इंडिया में बिकेगा, मतलब हम इसे अगर इंडिया में बिकेंगे तो इसकी जो मार्केट वैल्यू होगी ना ये कितनी होगी, ये होगी 5 रुपये। अब ये पेन भारत के अंदर 5 रुपये में बिकेगा, मतलब एक पेन की जो प्राइस होगी ना ये होगी 5 रुपये। और पहले जो कंपनी इस पेन को बना रही थी इंडिया के अंदर उसकी वैल्यू कितनी है उस पेन की, तो इसकी प्राइस है 10 रुपये। लेकिन ये जो पेन चाइना से आया है इसकी कितनी है, 5 रुपये। तो देखो अब इससे होगा क्या, धीरे धीरे जो इंडियन कंपनी है ना इसके ऊपर प्रभाव पड़ना इसका स्टार्ट हो जाएगा। कुछ टाइम बाद आगे चलकर ये कंपनी बंद भी हो सकती है। तो इसलिए इन्हीं सबको बचाने के लिए जो वहां जो कोई भी देश है, देखो जैसे इंडिया ही मान लीजिए यहाँ पे, तो इंडिया क्या काम करेगा, चाइना के इस पेन पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देगा। जिससे क्या होगा, जैसे ही ये पेन इंडिया में एंट्री करेगा एयरपोर्ट पर ही, तो वहीं पे इस पे ड्यूटी लगा दी जाएगी, जिससे इसकी जो मार्केट वैल्यू है ना ये बढ़ जाएगी। तो उससे क्या होगा, कॉम्पिटिशन बरकरार रहेगा और इंडियन मार्केट है इस पे किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इन्हीं सबको बचाने के लिए आप ये कह सकते हैं घरेलू उद्योग को बचाने के लिए किसी भी देश के द्वारा एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। तो समझ गए ना ये पूरा कंसेप्ट क्या है एंटी डंपिंग ड्यूटी का। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर सही है, 5 साल। अब देखो बात चाइना की हुई है, एग्जाम में चाइना भी पूछा जा सकता है, देश देखो चाइना है, तो चाइना की लोकेशन देख लीजिए, ये है चाइना की लोकेशन। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें तो कैपिटल क्या है, बीजिंग इसकी कैपिटल है। और करेंसी क्या है, करेंसी है रेनमिनबी। देखो यहाँ पे करेंसी लिखी हुई है। प्रेसिडेंट कौन है, सी जिनपिंग, ये है प्रेसिडेंट। अब देखो ये तो चाइना है और यहाँ पे मंगोलिया, यहाँ पर एक डेजर्ट है इनके बॉर्डर पे, नाम क्या है, गोबी डेजर्ट। इसको देखो हम आए दिन पढ़ते हैं जब भी चाइना की जिक्र होता है, तो याद रखेगा इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और देखो बीजिंग तो इसकी कैपिटल है। आपने एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना होगा, SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखो नाम से लग सकता है इसका हेडक्वार्टर शंघाई में है, लेकिन हेडक्वार्टर शंघाई में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर चाइना की कैपिटल बीजिंग में स्थित है। तो ये तो बात करी हमने चाइना के बारे में। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जल जीवन मिशन ने कितने करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों को नल जल आपूर्ति करने में नई ऊंचाई प्राप्त की है? तो देखो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है यह है सी, 4 करोड़ रुपए। मतलब 4 करोड़ से ज्यादा वाटर सप्लाई, टैप वाटर सप्लाई ये प्रोवाइड की जा चुकी है रूरल हाउसहोल्ड में। अब समझते हैं ये जल जीवन मिशन ये है क्या। देखो जल जीवन मिशन के 2 कंपोनेंट हैं, एक तो है जल जीवन मिशन रूरल और दूसरा है जल जीवन मिशन अर्बन। जो रूरल है ये ऑलरेडी मतलब रनिंग में है, इसको लॉन्च किया जा चुका है, लेकिन ये जो अर्बन है ना इसको अभी लॉन्च नहीं किया गया है, इसके बारे में अभी हम समझेंगे। पहले समझते हैं जल जीवन मिशन रूरल के बारे में। देखो इसको स्टार्ट किया गया था, मतलब इसको लॉन्च किया गया था कब, 2019 में। अगर आप एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। इसका मकसद क्या था, 2024 तक जो सभी ग्रामीण घरों हैं, मतलब सभी ग्रामीण घरों में टैप वाटर सप्लाई को प्रोवाइड कराना। ये तो था ऑब्जेक्टिव जल जीवन मिशन रूरल का। अब बात करें हम अर्बन की, जल जीवन मिशन अर्बन। देखो इसको इस साल के बजट 2021-22 में इसकी अनाउंसमेंट की गई है, मतलब ये अभी लॉन्च किया जाएगा। और इसमें जो पैसे वितरित किए गए हैं, मतलब कितनी मनी इसमें एलोकेट की गई है, तो ये आप याद रखेगा, 2,87,000 करोड़ रुपए।
समझ गए ना, इतना पैसा इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया, मतलब कि इतना पैसा इसमें लगेगा। तो समझ गए ना, जल जीवन मिशन के दो कंपोनेंट है, एक अर्बन और एक रूरल, और एक है अर्बन। रूरल जो है ये ऑलरेडी लॉन्च किया जा चुका है 2019 में, और अर्बन जो है इसको भी लॉन्च किया जाना बाकी है। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4 करोड़। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो उससे पहले ये देख लीजिए, हमने कल ही पढ़ा था जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन के तहत 7 राज्यों के लिए प्रदर्शन प्रोत्साहन निधि के रूप में 465 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अब ये 7 राज्य कौन कौन से हैं, एग्जाम में ये भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। समझ गए ना, ये 7 राज्य कौन कौन से हैं, तो याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा राज्य COVID-19 टीकाकरण में 50 लाख लाभार्थियों की उपलब्धि को पार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो देखो ये है महाराष्ट्र, बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगर हम एग्जैक्ट डाटा की बात करें तो कितना है, 52,35,646, फिर से बोलता हूँ, 52,35,646 लाभार्थियों को टीकाकरण लगा दिया गया है। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है महाराष्ट्र। अब बात महाराष्ट्र की हुई है तो इसका जो पिछला करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार न्याय वितरण प्रणाली महाराष्ट्र में सबसे अच्छी है। क्वेश्चन देखो यहीं से उठेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। सेकंड पॉइंट क्या है, जनवरी 2021 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने औपचारिक रूप से कृषि पंप बिजली कनेक्शन की, मतलब ये जो कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति है इसकी शुरुआत की। बाल साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन नागपुर में हुआ, ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि किस शहर में हुआ, तो नागपुर में हुआ। महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन शुरू किया, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। देखो ये सभी पॉइंट सेलेक्ट करके यहाँ पे डाले गए हैं, तो इन सबको ना आप नोट्स बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रधानमंत्री मोदी जी ने महाराष्ट्र के संगोला से 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। महाराष्ट्र सरकार ने महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक महिला उद्यमिता सेल स्थापित करने का निर्णय लिया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया काफी दिनों से ही चर्चे में है, ये महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। केंद्र ने वार्षिक योजना के तहत महाराष्ट्र के लिए 5,801 करोड़ रुपए की नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दी। मही समाल गांव महाराष्ट्र में स्थित है, ये गांव अभी चर्चे में था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो काफी दिनों बाद मतलब इस गांव के लोगों को नल का जो पानी है वो उपलब्ध हो गया है। तो ये तो बात करी हमने महाराष्ट्र के करंट अफेयर के बारे में, इसकी लोकेशन देखिए कहाँ पर है, ये है महाराष्ट्र की लोकेशन। इसकी बाउंड्री किन किन राज्यों के साथ लगती है, तो देखो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा, टोटल मिलाकर 6 राज्यों के साथ महाराष्ट्र की सीमा लगती है। इसकी कैपिटल क्या है, मुंबई कैपिटल है, 1 मई 1960 में फॉर्मेशन हुई थी। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं, भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं, 36 जिले हैं, लोकसभा की 48 सीट, राज्यसभा की 19, विधानसभा की 288, विधान परिषद की 78 सीटें हैं। बॉम्बे में इसकी हाई कोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। महाराष्ट्र, गोवा और DNHDD, ये क्या है, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, इन तीनों की जुरिस्डिक्शन बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। गोगुमल नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, तदुबा अंधारी टाइगर रिजर्व, ये इंपॉर्टेंट है, संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में स्थित हैं। देखो ये जो पेंच नेशनल पार्क है ना, ये वैसे तो मध्य प्रदेश में स्थित है, लेकिन इसका कुछ पोर्शन महाराष्ट्र में भी आता है। अगर हो सकता है ऑप्शन में दोनों दिए जाएं, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, तो आप मध्य प्रदेश को टिक कीजिएगा। अगर मध्य प्रदेश ना हो तब आप इसको महाराष्ट्र लगाइएगा। समझ गए ना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। लोनार लेक और वीना लेक दोनों महाराष्ट्र में स्थित है। कोयना डैम जिसे लाइफ लाइन ऑफ महाराष्ट्र भी कहा जाता है, ये गंगोत्री रिवर के ऊपर है। मूला डैम, उज्जैनी डैम जिसे भीमा रिवर के मतलब भीमा डैम के नाम से जाना जाता है, ये भीमा रिवर के ऊपर है। जैकवेडी डैम ये कहाँ पर है, ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये तो बात करी हमने महाराष्ट्र की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। चलते हैं आगे, राजस्थान दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो देखो राजस्थान दिवस हर साल ये मनाया जाता है 30 मार्च को। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अभी हमने एक दो दिन पहले ही पढ़ा था, राजस्थान की सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को शुरू करेगी, इंपॉर्टेंट है ये योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, समझ गए। अब राजस्थान का जो पिछला करंट अफेयर है इसे कवर करते हैं। राजस्थान भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने कानून बनाकर मास्क को मैंडेटरी कर दिया है, यानी अनिवार्य कर दिया है। देखो भारत पाकिस्तान सीमा पर यानी राजस्थान वाले एरिया में 8,000 मेगावाट कैपेसिटी का रेन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट सेटअप किया जाएगा।
प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्चुअली 13 नवंबर 2020 को जिस दिन पांचवा आयुर्वेद दिवस मनाया गया, इस मौके पर दो आयुर्वेद इंस्टीट्यूशन का उद्घाटन किया वर्चुअली। एक का किया राजस्थान के जयपुर में, दूसरा के किया गुजरात के जामनगर में। फोर्थ पॉइंट, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, यहां पर ऑर्गेनिक डोनर मेमोरियल का उद्घाटन किया। हमारे जो खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, इन्होंने राजस्थान में 200 किलोमीटर की वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाई, जिसका मकसद था फिट इंडिया को प्रमोट करना। राजस्थान में पशुधन पालकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए डेयरी क्षेत्र में एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। ये तो बात करी हमने राजस्थान के करंट अफेयर के बारे में, लोकेशन देखिए, यह है राजस्थान की लोकेशन। इसकी बाउंड्री किन किन राज्यों के साथ लगती है, तो देखो गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, टोटल मिलाकर 5 राज्यों के साथ राजस्थान की सीमा लगती है और पाकिस्तान के साथ भी ये इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। देखो राजस्थान क्षेत्रफल की अगर दृष्टि से देखा जाए भारत के अंदर एरिया में ये सबसे बड़ा स्टेट है राजस्थान, एरिया की अगर हम बात करें तो। अब राजस्थान की लोकेशन इसकी बेसिक डिटेल देखिए, इसकी कैपिटल क्या है, जयपुर। जयपुर इसकी देखो लार्जेस्ट सिटी भी है और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। 30 मार्च 1949 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री, कलराज मिश्रा राज्यपाल। 33 जिले हैं लोकसभा की, 25 सीट राज्यसभा की, 10 विधानसभा की, 200 सीटें हैं। जोधपुर में हाईकोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत मोहंती। पुष्कर लेक, सांभर लेक, नक्की लेक, मानसागर लेक, ये सभी राजस्थान में है। बिलासपुर डैम बानस रिवर के ऊपर है। माही बजाज सागर डैम माही रिवर के ऊपर है। राणा प्रताप सागर डैम चंबल रिवर के ऊपर है। जवाई डैम जवाई रिवर के ऊपर है। रणथंभौर नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, भरतपुर नेशनल पार्क, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ताल छप्पर सेंचुरी, बसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी राजस्थान में स्थित हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2021 में किस देश के राष्ट्रीय वन क्षेत्र में जंगल की आग ने पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए नेपाल। और देखो नेपाल के बारे में हमने कल पढ़ा था, भारत ने नेपाल देश की सेना को 1,00,000 कोविड वैक्सीन की खुराक दी है। अब इसकी लोकेशन देख लीजिए, यह है नेपाल की लोकेशन। इसकी कैपिटल क्या है, काठमांडू, जो इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। करेंसी क्या है, नेपालीस रुपी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी। यह है नेपाल की सीमा। और देखो ये तो लोकेशन है, भारत के 5 राज्यों की सीमा नेपाल के साथ लगती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। समझ गए ना ये 5 राज्य कौन कौन से हैं। बढ़ते हैं आगे, मार्च 2021 में एग्जाम वॉरियर्स का अपडेटेड संस्करण किसने लॉन्च किया, तो ये किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने, तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है नरेंद्र मोदी जी। बढ़ते हैं आगे, संरक्षण के प्रति अपने योगदान के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार जीतने वाले एशिया के एकमात्र रेंजर कौन है, बताइए, तो देखो ये है महेंद्र गिरी। अब समझते हैं ये पूरी न्यूज क्या थी। उत्तराखंड में है एक राजाजी टाइगर रिजर्व, और देखो ये जो राजाजी टाइगर रिजर्व है ना, इसकी एक रेंज है मोतीचूर रेंज, यहां पर ये तैनात थे, नाम क्या था, महेंद्र गिरी, और इन्हीं को अब कंजर्वेशन में योगदान देने के लिए इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये अवार्ड दिया जाता है IUCN के द्वारा। IUCN का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इस बॉडी की स्थापना कब हुई थी, तो 1948 में, 5 अक्टूबर 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय हेडक्वार्टर कहां पर है, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में इसका मुख्यालय है। इसके अगर हम डायरेक्टर जनरल की बात करें, DG कौन है, तो यह है ब्रूनो ओबरले, लिख देता हूं यहां पे BRUNO ब्रूनो और OBERLE ओबरले, यह है डायरेक्टर जनरल। अब दूसरे इंपॉर्टेंट जी जो पॉइंट दिए हुए हैं ना ऑप्शन में, इनके बारे में जान लेते हैं। देखो रॉबर्ट इरविन, ये कौन है, रॉबर्ट इरविन की अगर हम बात करें, तो इनको भी अभी हाल ही में एक अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नाम क्या था उस अवार्ड का, तो देखो उस अवार्ड का जो नाम था वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से इन्हें सम्मानित किया गया था। पोल जाचेरिया को एजुथजन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। सचिन अवस्थी, इनको ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का ए आंसर सही है महेंद्र गिरी। बढ़ते हैं आगे, 29 मार्च 2021 को निम्नलिखित में से किस देश ने मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन टीके प्राप्त किए, तो देखो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, फिजी, नाइजर और पैराग्वे, तीनों में पहुंचे। अब इनकी आप कैपिटल जान लीजिए, फिजी की कैपिटल क्या है, सुवा। नाइजर की कैपिटल क्या है, नियामे। देखो कैपिटल भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। पैराग्वे की कैपिटल क्या है, असुनशियन, ए साइलेंट है इसमें, SUNCION। अब देखो इंपोर्टेंट क्या है, SII सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, क्यों, क्योंकि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। फाउंड कब किया गया था, 1966 में। फाउंडर कौन है, साइरस एस पूनावाला। हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है इंडिया के अंदर, इसलिए ये बॉडी इंपोर्टेंट है। चेयरमैन, सीईओ और प्रेसिडेंट एक ही है, आधार पूनावाला।
चेयरमैन अभी दिल्ली हाई कोर्ट का एक एग्जाम हुआ था, उसमें इसके चेयरमैन के बारे में पूछा गया था। ऑप्शन में था आधार पूनावाला और वही उस क्वेश्चन का सही आंसर था। तो देखो इस बॉडी को इसलिए यहाँ पे डिस्कस किया गया है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। चलते हैं हम आगे। जम्मू और कश्मीर में निम्न में से कौन सा जिला प्रशासन आपदा मित्र के प्रशिक्षण के लिए उपाय कर रहा है? तो ये कर रहा है रामबन। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब जम्मू कश्मीर का जो पिछला करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। जम्मू और कश्मीर सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के लिए 2 लाख रुपए के ऋण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जम्मू और कश्मीर में कृषि विभाग ने मार्च 2021 में कुपवाड़ा में कृषि परिसर में एक दिवसीय किसान मेला आयोजित किया। सीआरपीएफ ने कश्मीरी लोगों के कल्याण के लिए अपना अभियान जारी रखते हुए एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। जम्मू और कश्मीर में आवाम की बात परियोजना की शुरुआत की गई। जम्मू और कश्मीर ने रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की स्थापना को मंजूरी दी। मार्च 2021 में आम जनता और पर्यटकों के लिए एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में खोला गया है। ये शहर आप याद रखेगा, श्रीनगर। तो ये तो बात करी हमने जम्मू कश्मीर के बारे में। वीवीपैट मशीनें किस राज्य के सभी मतदान केंद्रों में लगाई जाएंगी? तो ये लगाई जाएंगी कहां पर? तमिलनाडु के अंदर। देखो वीवीपैट मशीन, इसका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है वोटर वेरिफेबल पेपर ऑडिट ट्रायल। फिर से बोलता हूँ, वोटर वेरिफेबल पेपर ऑडिट ट्रायल, ये तो इसका पूरा नाम है। देखो इस प्रकार की होती है ये वीवीपैट मशीन। इसमें होता क्या है, जहां पे देखो बैलेटलेस वोटिंग सिस्टम होता है ना, वहां पे वोटर के फीडबैक को जानने के लिए इसको यूज किया जाता है। अब इसमें होता क्या है, जब देखो कोई भी वोटर जैसे बटन दबाएगा, देखो यहाँ पे जैसे किसी भी पार्टी को वो वोट देना चाहता है, अपने मनपसंद जिसको भी उसे वोट देनी है, तो वो वोट देगा। और फिर ये वीवीपैट मशीन में क्या होगा, देखो यहाँ पे एक पर्ची जो है ना, एक स्लिप यहाँ पे जनरेट होगी, मतलब ये बाहर नहीं आएगी, ये इसी के अंदर कुछ सेकंड के लिए उस वोटर को दिखाई देगी। इसमें क्या होगा, उसको ये पता लग सकेगा कि हाँ जी उसने जो वोट डाली है वो एग्जैक्ट सही डाली है और जिसको उसे वोट देनी थी वोट वहीं पे दी गई है, वहां पे उस पार्टी का सिंबल और इसका नाम आएगा। तो इससे क्या होगा, देखो जो इलेक्शन होते हैं ना उनको वो अच्छे तरीके से कंडक्ट किए जाते हैं, जिससे करप्शन के जो चांस होते हैं वो बिल्कुल ना के बराबर रह जाते हैं। तो समझ गए ना, तमिलनाडु इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अच्छा ये बताइए, जनवरी 2021 में हमने एक न्यूज पढ़ी थी, कौन है जिसे इनका तमिलनाडु का चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया था? तो देखो नाम क्या था, राजीव रंजन। याद रखेगा राजीव रंजन को जनवरी 2021 में तमिलनाडु का चीफ सेक्रेटरी बनाया गया था। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है तमिलनाडु। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन अपने कोविड-19 टीकों की 400 मिलियन खुराक तक अफ्रीकी संघ को आपूर्ति करेगा? तो ये करेगा ए जॉनसन एंड जॉनसन, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बाकी इसमें कुछ देखो समझाने लायक है नहीं। चलते हैं आगे। विश्व विकास रिपोर्ट 2021 को किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो देखो ये जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है ना, इसे वर्ल्ड बैंक के द्वारा पब्लिश किया जाता है। अभी ये रिपोर्ट ऐसी नहीं है कि जिसमें रैंकिंग दी जाती है, इसमें ऐसे नहीं दिया जाता कि जैसे कि ऑस्ट्रेलिया को एक रैंक दी गई है, भारत को कितनी मिली है, अफ्रीका को कितनी मिली है, न्यूजीलैंड को कितनी मिली है, नहीं इसमें रैंकिंग नहीं, इसमें सजेशन दिए जाते हैं। तो बात कर लेते हैं वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक फॉर्मेशन कब हुई थी? तो देखो जुलाई 1944 में। डेट याद रखेगा। अब क्वेश्चन देखो यहाँ से उठते हैं, इसलिए इसकी हम बेसिक डिटेल कवर कर रहे हैं। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है। अब याद रखेगा IMF, वर्ल्ड बैंक जिसके बारे में बात हो रही है, और अमेरिका की स्पेस एजेंसी है NASA, इन तीनों का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में स्थित है। प्रेसिडेंट की बात करें कौन है, डेविड मालपास ये वर्ल्ड बैंक के कौन है, प्रेसिडेंट है। वर्ल्ड बैंक है क्या, अगर आपसे कोई इंपोर्टेंट पूछे, मतलब दो लाइन में पूछे कि है क्या, तो ये देखो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, आप ये कह सकते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और बाकी इसके बारे में जो बेसिक डिटेल है इसको हमने कवर कर लिया है। चलते हैं आगे। किस देश ने अंडमान और निकोबार द्वीप में बिजली आपूर्ति की फंडिंग करने की घोषणा की है? तो ये किया जापान ने। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो मार्च 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल संसाधन के क्षेत्र में भारत और जापान देश के बीच हस्ताक्षरित सहयोग यानी मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन समझौते को मंजूरी दी है। तो समझ गए ना, ये भी पॉइंट आप याद रखेगा। अब जापान की ना लोकेशन देख लीजिए। देखो ये तो है जापान की लोकेशन, कैपिटल टोक्यो, जैपनीज येन करेंसी, प्रधानमंत्री कौन है, योशीहिदे सुगा, यह है इसकी कैपिटल टोक्यो। समझ गया। बढ़ते हैं आगे। मार्च 2021 में किसने हॉट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस ऑन अफगानिस्तान के 9वें मंत्री सत्र सम्मेलन में भाग लिया है? तो ये लिया है विदेश मंत्री यानी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने। ये अभी तजाकिस्तान की यात्रा पर गए हुए हैं। कब गए हुए 30 मार्च 2021 को। तो देखो इन्होंने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है। अब तजाकिस्तान की लोकेशन देख लीजिए, यह है तजाकिस्तान की लोकेशन, कहाँ पर, देखो यहाँ पर है ये तजाकिस्तान। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें दुशनबे, जो इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है,
सोमोनी ये इसकी करेंसी है। प्रेसिडेंट कौन है? इमोमाली रहमोन, ये तो है इसके प्रेसिडेंट। देखो ये तजाकिस्तान, इसकी सीमा भारत के साथ नहीं लगती है और ना ही इसकी सीमा कैस्पियन सी के साथ लगती है। ये दोनों पॉइंट आप याद रखेगा। बढ़ते हैं आगे, किसने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीती है? तो देखो ये 2021 की पहली ग्रैंड प्रिक्स है, इसको जीता है लुइस हैमिल्टन ने। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, समझ गए ना, ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर। अब कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे, मार्च 2021 में भारत ने किस देश के साथ 5 समझौतों ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है? तो बांग्लादेश सही आंसर है। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शहीद अशफाकउल्लाह खान प्राणी उद्यान का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो गोरखपुर सही आंसर है। कौन सी IIT अपने सोनीपत परिसर में एक वायुमंडलीय वेधशाला का निर्माण करेगी? IIT दिल्ली। कौन सा राज्य जल्द ही देश में अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य होगा? तो ये होगा उत्तर प्रदेश। नीलम साहनी को किस राज्य के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंध्र प्रदेश सही आंसर है। 2021 में अर्थ ओवर डे कब मनाया गया? तो ये 27 मार्च को सेलिब्रेट किया गया। ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन। अब आज का क्वेश्चन जिनका आंसर आपको बताना है, भारत और कौन सा देश सैन्य हार्डवेयर के संयुक्त उत्पादन और निर्यात के लिए जाने खुफिया साझाकरण बढ़ाने और साइबर और अंतरिक्ष डोमेन में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं? ईरान ने किस देश के साथ 25 वर्ष के सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना किस राज्य से संबंधित है? संयुक्त राष्ट्र शांति बाल बल के लिए मेड इन इंडिया COVID-19 टीके 28 मार्च 2021 को किस देश में पहुंचे हैं? भारत का पहला राज्य यूटी कौन सा बना है जिसे टीबी मुक्त घोषित किया गया है? राजाजी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? वैसे इसको तो हमने इस डिस्कशन में कवर कर लिया है, फिर भी आप बताइएगा। तो देखो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।